नमस्कार, मैं हूं रितिका शर्मा और आप देख रहे हैं मृदुभाषी प्रदेश, जिसमें हम आपको बताएंगे हमारे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। कांग्रेस के सीनियर लीडर और पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी ने अपनी ही पार्टी पर हमला बोला है। कुरैशी ने कहा कि कांग्रेस से मुसलमानों का सफाया कर दिया गया है। मैं 1972 से AICC का मेंबर था, आज मुझे भी बाहर कर दिया गया, मुझे अफसोस नहीं है। अजीज कुरैशी ने कहा कि ओबीसी तो एजेंट है बीजेपी का, दलाल है। जहां कांग्रेस को हराना हो या समाजवादी पार्टी को हराना हो तो ओबीसी अपना कैंडिडेट खड़ा करता है। आप तो देख ही लीजिए, बिहार में, महाराष्ट्र में और जगह वह तो पूरा दलाल है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारियों में 2 दिन पहले एक ढाबे पर हुए झगड़े के बाद हाईकमान एक्शन में आ गया है। प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार के निर्देश पर प्रदेश मंत्री शुभेंद्र गौड़ और भाजयुमो के विशेष आमंत्रित सदस्य नयन सोनी को पद से हटा दिया गया है। इन पर प्रदेश अध्यक्ष पवार के इंदौर प्रवास के दौरान मोर्चा नगर अध्यक्ष सौगात मिश्रा से मारपीट करने के आरोप है। इसका वीडियो भी सामने आया था, जिसमें ढाबे पर मारपीट और अफरा तफरी साफ दिख रही है। भोपाल से रविवार की शाम गायब हुई 17 साल की नाबालिग किशोरी का उज्जैन में शव मिला है। पुलिस के मुताबिक रविवार को परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। लड़की नाबालिग थी, इसलिए पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर लिया था। उज्जैन GRP को सोमवार तड़के उसकी बॉडी उज्जैन के असलावदा स्टेशन के करीब रेलवे ट्रैक से बरामद की। GRP उज्जैन ने मामले में मर्ग कायम कर जाँच शुरू कर दी है। ये FIR कल शाम को दर्ज हुई है और 6:30 से शाम को 6 बजे से 6:30 बजे के बीच में उसके परिजन यहाँ पर थाने पर उपस्थित हुए थे। उन्होंने अपनी बालिका की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी। चूँकि बालिका 18 वर्ष से कम थी तो उसने धारा 363 IPC का इजाफा किया गया और अपराध पंजीबद्ध किया गया। क्या आया अभी तक? तो फिलहाल ये बात सामने आई है कि उसकी बॉडी उज्जैन के नज़दीक 25 किलोमीटर दूर रेलवे ट्रैक पर मिली है और अग्रिम उस पर विवेचना जारी है। तो परिजन से बात हुई थी, क्या सही? परिजन के संबंध में जब वो इतला देने आए थे, जब रिपोर्ट लिखवाने आए थे, तो उसमें यही कहा गया कि घर से लड़ झगड़ के इसलिए गई है क्योंकि उसकी कुछ स्टेटस पर फोटोज़ वगैरह थे, तो उसके संबंध में भी जाँच की जाएगी सर। तो यह थी आज की मुख्य खबरें। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मृदुभाषी प्रदेश को सब्सक्राइब करना ना भूलें।